भारतीय फुटबॉल टीम ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब 5 साल बाद अपने नाम कर लिया है। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में चल रहे इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में लेबनन की टीम को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत के लिए इस मैच में कप्तान सुनील छेत्री ने पहला गोल 46वें मिनट में दागा। इसके बाद छंगटे ने 65वें मिनट में दूसरा गोल दागकर भारत को खेल में काफी आगे कर दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने दूसरी बार इंटरकॉन्टिनेंटल कप अपने नाम कर लिया है। इसके पहले साल 2018 में भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया था। दोनों टीमें शुरुआती हाफ में एक भी गोल करने में नाकामयाब रही। लेबनान की टीम ने कुछ अच्छे मौके जरूर बनाए लेकिन भारतीय डिफेंस को नहीं भेज सके। डिफेंस में टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन किया लेकिन भारत ने इस हाफ में गोल के कई मौके भी गवाए, लेकिन दूसरे हाफ में भारतीय टीम ने 2 गोल दागकर मैच में बढ़त बना ली और आखिरी विसल बजने तक भारतीय टीम ने लीड को बरकरार रखा। इस मुकाबले में छंगटे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने गोल करने के साथ एक असिस्ट भी किया जिसपे कप्तान सुनील छेत्री ने गोल किया था। जीत के बाद कप्तान सुनील छेत्री ने कहा, पिछले मैच में हमने लेबनन के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, ऐसे में फाइनल में बहुत लोगों को लग रहा था कि हम फाइनल में लेबनन को नहीं हरा पाएंगे, लेकिन हमने अच्छा खेला और 2 गोल के अंतर से जीत हासिल की। कोचिंग स्टाफ ने शानदार काम किया है। बता दें कि फाइनल मुकाबले से पहले भी लीग स्टेज में दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी जहां दोनों टीमों के बीच मैच ड्रॉ रहा था और ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले में भिड़ने से पहले काफी रणनीतियों के साथ उतरी थी, लेकिन भारतीय टीम ने मुकाबले में बाजी मार ली और खिताब अपने नाम कर लिया।